हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी बताइए, आप लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं? जी, क्या समस्या है आपकी? मैंने भेजा तो है सर। नहीं, भेजा है आपने, ठीक है, लेकिन समस्या क्या है आपकी बताइए। समस्या अवैध कब्जे की है सर। अवैध कब्जा किसने किया है? पूरा यादव भाई, नाम बताइए। राम किशोर यादव आपके गांव का नाम क्या है? जी, बवाइन फिर से बताइए। बवाहिन बवाहिन। आपका पोस्ट क्या है? खेड़। पोस्ट है सर, खेड़ है, और तहसील कौन सा पड़ेगा? तहसील हमारा सुकावाद पड़ता है सर सुकावा। डिस्ट्रिक्ट? जी, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद फिरोजाबाद। जी। तो कितना जमीन है आपका? उसने जमीन घेर रखा है, 1 सवा बीघा के लगभग घेर रखी है सर। अच्छा, तो वहां का नजदीकी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? सर ऐसा है, मैं बताऊं जी जी, इस तहसील से विधायक समाजवादी पार्टी से है सचिन यादव, जी तो उससे उसके थोड़े संबंध है। वो गुंडा पार्टी का आदमी है, थोड़ा उसने तमंचे के बल से यानी कब्जा किया था सर। अच्छा, हाँ, तो उसका दबाव तहसील पे और थाने पे दोनों पे है सर, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही, 4 महीने हो गए हैं। तो आपने ये समस्या एसपी से बताया? एसपी साहब को दिया और डीएम साहब को भी दिया और जो उप जिला अधिकारी एसडीएम साहब को भी दिया अच्छा, तो जो एसपी साहब को दिया आपने, डीएम को दिया और उप जी। जिला अधिकारी को दिया, वो तीनों एप्लीकेशन का क्लियर फोटो आप हमारे पास भेज सकते हैं? भेज सकते हैं सर, जितना हम मांग रहे हैं उतना ही भेजिएगा, अतिरिक्त नहीं भेजिएगा। अतिरिक्त नहीं भेजेंगे। और सर जी, कह रहा हूँ जी जो 10 क्षेत्र पर हमने कॉल किया था उसकी भी रिपोर्ट है, उसे भेज दूँ? हाँ, पहले जो हमने मांगा है उसको आप भेजिए, और ये बताइए विश्व मौर्य परिषद के माध्यम से और किस प्रकार की सहायता हम कर सकते हैं आपकी? नहीं, बस इतनी सहायता कर दीजिए। और क्या बोलते हैं, जी जान से मारने की धमकी और देता है सर वो। हाँ, जान से मारने की धमकी भी आपको मिल रही है? वो रास्ते में निकलते हैं हम, जी ऐसा ज्यादा है यादव लोग यहाँ पे, अच्छा और अपने लोग जो है 4-6 घर है वहाँ उधर, अच्छा तो रास्ता भी घेरता है वो, और बाहर से वैसे अवैध गुंडों को भी बुला लेता है। अच्छा हाँ सर, तो आप जो है जितना हमने आपको बताया उतना भेजिए, और एक लेटर विश्व मौर्य परिषद के नाम से लिखिए, जी जिसमें आप पूरा ये कंप्लीट करेंगे कि आपको जो जान से मारने की धमकी दी जा रही है उसको भी मेंशन करेंगे, और जो गुंडई कर रहे हैं उनका भी नाम आप मेंशन करेंगे, और पुलिस प्रशासन क्यों नहीं सुन रही है वो भी आप मेंशन करेंगे, या पैसा खाया जो भी आपको लग रहा है सब उसमें मेंशन करके, अर्थात ऐड करके आप एक एप्लीकेशन बना के हमारे जो है कि व्हाट्सएप पे आपको पता दे दिया जाएगा, वहां भेज दीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ बना के भेज दीजिए। जी सर, टाइप टाइप करवा लूं या वैसे ही? टाइप करवा लीजिएगा, पहले आप इतना भेजिए जो एसपी महोदय को आपने लिखा है, जी उप जिलाधिकारी को लिखा है और जिलाधिकारी को लिखा है, वो उसका एकदम जी क्लियर फोटो हमारे पास आप भेजिए। हाँ, क्लियर भेजूंगा सर। हाँ, और जब इधर से कुछ रिस्पांस जाएगा हमारे यहाँ से, और जो मांगा जाएगा उसको जो है कि आप समय रहते फिर भेजा करिएगा, जब मांगा जाएगा तब भेजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं हम तो तैयार हैं। 4 महीने तहसील थाने ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, भगा और देते हैं। और जो है कि आपके इस मामले के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है जब ये बताओ सर, जी, जब पुलिस सुनवाई करती तो कब्जा हो जाता? नहीं आपकी बात हम सुन रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, और आपके मामले का निपटारा है तो हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो जो है कि आपकी सुनवाई होगी, हम अपने विश्व मौर्य परिषद के तरफ से यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपके समस्या का समाधान 100% हो जाए, तो आप इतना फाइल भेजिए, और कोई भी समस्या आती है तो उसको बढ़िया से लेटर बना के आप भेजते रहिए, हर एक समस्याओं का समाधान विश्व मौर्य परिषद में होगा। जी, हम तो सर आपके ही जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और इस सहारे को टूटने नहीं दिया जाएगा, और हम तो अपने यहाँ भी नहीं टूटने देते हैं, 25 साल नहीं हो गई अपने समाज को वो यहाँ ठीक पर। है, आप हाँ इतना फाइल कंप्लीट कीजिए, जी, और आपकी समस्या विश्व मौर्य परिषद की समस्या, अर्थात आपकी समस्या हमारी समस्या, और क्या। तो आपकी समस्याओं के समाधान हेतु विश्व मौर्य परिषद की तरफ से जो भी यथासंभव प्रयास होगा विश्व मौर्य परिषद हर स्तर का आपका सहयोग करेगा। जी इतना ही हो जाए, धमकी ना देखिए सिलेंडर हो जाए साला, ये आप बहुत। शब्दों का उपयोग ना कीजिए, बाकी आपका कार्य
करवाने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा जी धैर्य रखिए और जो फाइल मतलब एप्लीकेशन का फोटो क्लियर रूप से आप भेजिए। जी सुबह भेज दूंगा सर, अभी लाइट भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह भेज दीजिएगा, जब आपको फुर्सत मिले भेज दीजिए, लेकिन क्लियर होना चाहिए। हाँ और कल भेज दूंगा आपका सर। नाम अभी आपने क्या बताया था? लक्ष्मण कुशवाहा। लक्ष्मण कुशवाहा जी, ठीक है। और जो भी है आप तो उतना कंप्लीट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास हम करेंगे, जी जी ठीक है? ठीक। ओके वो दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको यह पता चल सके कि मौर्य वंश का अर्थात कुशवाहों का, मौर्यों का हितैषी कौन है और कौन शत्रु है। इस कुशवाहा की ज़मीन पर किसने अवैध कब्जा किया है आप लोग समझ सकते हैं। इसके लिए कौन मित्र है कौन शत्रु है आप लोग पहचानने का प्रयास करें और उसी पार्टी को ज्वाइन करें जो मौर्यों के हित में कार्य करे। सत्यमेव जयते। जय जय भारत। जय मौर्य वंश। अखंड भारत। जय विश्व मौर्य परिषद।